जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये सभी क्वेश्चन सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 210 और ए माइनस बी बराबर 5 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 210 है और ए माइनस बी बराबर 5 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए, हमसे पूछा किसका मान गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मान पूछा गया है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, माइनस का ab हो गया। यहाँ से अगर हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा, ab हो जाएगा, ठीक है, ab हो जाएगा। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। देखिए, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या दिया गया है, 210 दिया गया है, ठीक है, 210 दिया गया है, बराबर किसके हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी हम रख देंगे, a माइनस बी का मान क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, ठीक है, 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी, यहाँ से हमें इसका ही मान निकालना है। और यह किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, तो यहाँ से हम 5 से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये किसके बराबर है, ठीक है, यह इसी के बराबर है, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 6 20, 5 2 10, ठीक है। तो यहाँ से जिसका मान पूछा गया है यह किसके बराबर होगा, तो यह 42 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के शीर्ष तथा तल से उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है, इमारत की ऊंचाई मीटर में क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है, 72 मीटर ऊंचे एक मीनार, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो जिसकी ऊंचाई 72 मीटर है, यह कितना ऊंचा है, तो 72 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 72 मीटर ऊंचा है। मीनार के शीर्ष का इमारत के शीर्ष, ठीक है, मान लेते हैं कोई इमारत है, कोई दूसरा इमारत है, ठीक है, कोई दूसरा इमारत है, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई इमारत मतलब कोई महल जैसा है, ठीक है। देखिए, मीनार के शीर्ष का इमारत के शीर्ष, ठीक है, इमारत के शीर्ष, यह क्या है, इमारत है, इसके शीर्ष, देखिए देखिए यह क्या है, इमारत के शीर्ष, हाँ देखिए, इमारत के शीर्ष, इमारत के शीर्ष तथा तल से उन्नयन कोण, इमारत के शीर्ष ये क्या है, इमारत का शीर्ष है, इमारत के शीर्ष से उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 30 अंश है, ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, ठीक है, 30 अंश का है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया गया है,
तल से उन्नयन कोण 60 अंश है, और इमारत के तल से जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम कर देंगे। यहाँ कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक है, कितने अंश का है, यहाँ से 60 अंश का है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ से कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का। ठीक, यहाँ कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो इमारत है इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। देखिए यहाँ हम लगाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे, ये क्या है, 60 अंश है। ए इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है, वाई एक्स है। ठीक है, ये क्या है, इतना दूरी क्या है, एक्स है। ठीक है, इतनी दूरी क्या है, एक्स है। ठीक, इतनी दूरी x है, जब a दूरी x है तो a भी दूरी क्या होगी, x ही होगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम tan थीटा ले लें, ठीक है, देखिए a क्या है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और क्या है, आधार है। तो tan 60 अंश दिया गया है, तो tan 60 अंश, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ऐसे एल ए एल बटे के ए। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का होता है। लंब कितना है, लंब 72 है। आधार कितना है, कुछ नहीं है, हमने माना एक्स है। और टैन 60 अंश का मान कितना होता है, तो टैन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 72 बटे एक्स हो गया। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 72 बटे अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, 72 बटे अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या है, 72 बटे अंडर रूट 3 है। ठीक है, 72 बटे अंडर रूट 3 है। अब देखिए हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, हाइट निकालनी है, उस इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ये पूरा टोटल कितना है, ये पूरा टोटल 72 है। ठीक है, 72 है, हम मान लेते हैं ये ऊंचाई कितनी है, हमने माना है h, जो ऊंचाई यह है वही ऊंचाई यहाँ भी है, तो ये भी कितना है, h है, इतना ऊंचाई h है। ठीक है, तो ये भी ऊंचाई कितना है, h ही है। ठीक है, ऊंचाई कितना है, h है, तो ये वाली ऊंचाई कितना बचा, ये वाला टोटल 72 है, 72 में से h को घटाएंगे तो ये 72 माइनस h बचा हुआ है दूरी। ठीक है, यहाँ क्या है, 30 अंश है, यहाँ भी हम tan 30 अंश लगाएंगे, तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, 72 माइनस एच बटे लंब बटे आधार, आधार कितना है, आधार 72 बटे अंडर रूट 3 आया है ना, 72 बटे अंडर रूट 3 आया है। ठीक है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 72 माइनस एच बटे 72 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 भाग में है, ऊपर जाएगा गुड़े में हो जाएगा, 72 भाग में इधर आएगा गुड़े में, तो 72 हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा, और यहाँ अंडर रूट 3 भाग में है गुड़े में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 कोष्टक में क्या होगा, 72 माइनस एच हो जाएगा। 3 से काटेंगे 24 बार में, ठीक है, 3 से काटेंगे 24 बार में। देखिए इस h को हम इस तरफ ले आएँ और इस 24 को उस तरफ ले जाएँ, तो h बराबर क्या मिलेगा, 72 माइनस 24। ठीक है, क्या मिलेगा, 72 माइनस 24। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे, ठीक है, h का मान निकालेंगे, क्या आएगा, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यानी ऊंचाई कितनी आएगी, 48 आएगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी आएगी, 48 आएगी, यानी जो मीनार है, क्या है, हाँ, इमारत जो है, ये इमारत है ना, इमारत की ऊंचाई कितनी आएगी, 48 मीटर आएगी, इमारत की ऊंचाई 48 मीटर आएगी, और यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमने कोशिश की है आपको बिल्कुल डिटेल बताने का, ये क्वेश्चन लॉन्ग था क्योंकि यह सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संघ के आधार का क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, आधार जो है शंकु है, ठीक है, हम बनाते हैं शंकु, हाँ चलिए हम बनाते हैं एक शंकु समझाने के लिए आपको। देखिए ये क्या है, एक शंकु है। ठीक है, देखिए यदि किसी संघ के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया गया है, ये जो आधार है इसके क्षेत्रफल को क्या किया गया, 100% बढ़ा दिया गया। ठीक है,
100% बढ़ा दिया गया। अब जो शंकु बन गया इस प्रकार, मतलब इसके हाइट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। जो हाइट इस शंकु का था, ठीक है, जो हाइट इस शंकु का था, मान लेते हैं हाइट क्या था, एच था, जो हाइट यहाँ है वही हाइट यहाँ भी है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल बदल गया है, ठीक है। 100% अगर पहले एक था आधार का क्षेत्रफल, तो एक में 100% बढ़ेगा, तो एक का 100% एक होता है, तो एक का 100% बढ़ेगा, तो एक प्लस एक यानी यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह पहले शंकु का हो गया, और दूसरा शंकु क्या है, तो दूसरा शंकु V2 है, ठीक है, दूसरा शंकु क्या है, दूसरे शंकु हमने V2 मान लिया, और उसके आयतन को हमने मान लिया V2, ठीक है, क्या माना, V2 मान लिया, ठीक है। तो V2 बराबर किसके हो जाएगा, दूसरे जो दूसरा जो शंकु है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई, यहाँ R1 हम मान लेते हैं, ये क्या है, R1 है, ठीक है, और ये क्या है, R1 है, और ये क्या है, R2 है, ठीक है, हाइट बराबर है दोनों का समान, R2 का स्क्वायर इंटू एच हो गया इज इक्वल टू, देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये देखिए त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या पाई आर स्क्वायर, हमने आर माना है, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब इस आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक है, और इस आधार का क्षेत्रफल क्या है, दो है, ठीक है, इस आधार का क्षेत्रफल कितना है, दो है, तो बोला क्या गया है, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो पहले का आयतन एक था और दूसरे का आयतन दो हो गया, एक से दो हो गया, मतलब कितना बढ़ा, एक बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, किससे बढ़ा, तो एक से बढ़ा, ठीक है, किससे बढ़ा, एक से बढ़ा, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, 100% से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, 100% बढ़ गया, ठीक है, क्या हुआ, उसका जो आयतन है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, चलिए, ठीक है, आपको हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ R1 था और यहाँ क्या था, R2 था, ठीक है, त्रिज्या R2 था, आधार का क्षेत्रफल यहाँ एक था, तो यहाँ कितना था, दो था, अब यहाँ से उनके आयतन का रेशियो निकालेंगे, 1/3 से 1/3, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पाई आर टू स्क्वायर बचेगा, आधार का क्षेत्रफल एक है और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दो है, तो एक से बढ़कर कितना हो गया, दो हो गया, तो एक की बढ़त हुई किस पे, एक पे, परसेंट में बनाने के लिए 100, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो पहले इसका आयतन था उसका 100% आयतन बढ़ गया इसमें, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बढ़ गया शंक में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ए 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है, यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, चलिए देखते हैं, देखिए ये कोई क्या है, वृत्त है, ध्यान से समझिए, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, एक दूसरा वृत्त यहीं दिया गया है, ये देखिए दूसरा वृत्त हो गया, ये क्या कर रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, ठीक है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए देखिए यहाँ हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए क्या है, ए है, यहाँ देखिए क्या है, ए है, इसका केंद्र क्या है, ए है, ए 8 इकाई त्रिज्या वाले, यानी इसका त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, 8 है, इसका रेडियस कितना है, 8 है, और बी 8 इकाई व्यास वाले, ठीक है, जो दूसरा है वो कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 8, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या होगा, 4 होगा, तो ए जो बी दिया गया है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या 4 है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 है,
अब देखिए, यदि दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी व्यास, ए बी व्यास हो गया, तो ए टोटल व्यास कितना आएगा, ए चार हो गया, ए आठ हो गया, और चार मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल कितना आएगा, 12। मतलब ये टोटल अगर हम इसे व्यास मान लें ए बी को, तो टोटल व्यास कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो बोला क्या गया है, ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब ये जो ए बी व्यास है, इस व्यास का जो मिड पॉइंट होगा, वहाँ से अगर हम एक वृत्त खींचते हैं तो उस वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं ये 12 है, 12 का आधा यहीं पर आएगा, 6 आएगा, ठीक है, यहाँ 6 आएगा, यही है, ठीक है। तो यहाँ से इस सेंटर से जो सर्किल बनेगा उसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। जो इस सेंटर से, देखिए और समझिए, अगर ये इसका क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो अब इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो टोटल इस त्रिज्या कितनी हो गई, आर बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई हो गया, आर का मान क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। मतलब यहाँ से क्या आएगा, 36 पाई क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, मालगाड़ी की गति बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ये कोई क्या है, ये मान लेते हैं कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये क्या है, कोई रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर एक मालगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक मालगाड़ी है, ठीक, ये क्या है, मालगाड़ी है। देखिए 80 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, देखिए मान लेते हैं कि ये जो मालगाड़ी है इस स्टेशन पर खड़ी है, और ठीक है, इस स्टेशन पर खड़ी है, एयर मालगाड़ी अपने स्थान से चलते हुए मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच गई, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने में देखिए स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, देखिए मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगा, मालगाड़ी को 6 घंटे, ठीक है, 6 आवर लगा, 6 घंटे लगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, 6 घंटे लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। देखिए 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है कौन, यात्री गाड़ी, ठीक है। 6 घंटे तक जब मालगाड़ी यहाँ तक पहुँच गई, तब यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक दूसरी गाड़ी थी, यानी कौन सी गाड़ी थी, यात्री गाड़ी थी, यात्री गाड़ी भी यहाँ से इस स्टेशन से चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, इस स्टेशन से चलना प्रारंभ कर दिया, देखिए, और 4 घंटे में उससे आगे निकल गई। ये जो मालगाड़ी आगे वहाँ तक पहुँची है, जो सवारी वाहन गाड़ी थी वो क्या होता है, 4 घंटे बाद इससे आगे निकल गई, मतलब यहाँ जाकर पहुँच गई, ठीक है, 4 घंटे बाद यहाँ पहुँच गई। तो देखिए क्या हुआ, इसको ध्यान से समझिए, पहले तो मालगाड़ी ने 6 घंटे तक यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है, यहाँ तक पहुँची थी, अब क्या हुआ, 4 घंटे में उससे आगे कौन निकल गई, यात्री गाड़ी क्या हुआ, 4 घंटे में उससे आगे, मतलब ये जो मालगाड़ी थी इससे आगे निकल गई 4 घंटे बाद, मतलब जो मालगाड़ी है टोटल 6 घंटे पहले चली और 4 घंटे और चली, 10 घंटे तक तो मालगाड़ी चलती रही, लेकिन जो यात्री गाड़ी थी वह उसी दूरी को कितने देर में ट्रेवल कर ली, 4 ही घंटे में ट्रेवल कर ली, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो यात्री गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड प्रति घंटे 80 किलोमीटर है, और 4 घंटे में वह दूरी तय करती है, मतलब इस जो
मालगाड़ी है उससे आगे निकलती है, ठीक है, आगे निकलती है मतलब टोटल दूरी कितना तय करती है, 420 किलोमीटर पूरी दूरी तय करती है, और उसी दूरी को मालगाड़ी कितने समय में तय करती है, तो टोटल 10 घंटे में तय करती है। टोटल दूरी कितनी है, 32 है, टोटल दूरी कितनी है, 320 है, और उसी दूरी को जो मालगाड़ी है 10 घंटे में तय करती है, तो वह उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 32 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर टू के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग सकता है, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है, आपको समझाया जाएगा पूरा। देखिए, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 4 मेल हैं और प्लस 4 मेल और 5 फीमेल एक काम को 15 दिन में, ठीक है, एक काम को 15 दिन में। मेल की कुछ भी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करते हैं। आगे देखिए, जबकि 9 मेल और 6 फीमेल उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब इतने लोग 15 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम क्या होता है, उसको ध्यान समझिए क्या होता है, उतना ही काम, चलिए यहाँ क्या है 10 है, ठीक है, यहाँ क्या है 10 है, उतना ही काम 10 दिन में हो जाता है। बस इसको हम सॉल्व करके इनकी इफिशियंसी क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 तीन 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 का गुणा अंदर करेंगे, 4 तीन 12 मेल प्लस 3 पचे 15 फीमेल इज इक्वल टू 2 का गुणा करेंगे, 18 मेल प्लस 12 फीमेल। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 3 फीमेल इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आएंगे 6 मेल हो गया, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 2 मेल बराबर फीमेल, 2 मेल बराबर फीमेल, यहाँ से मेल अपान फीमेल निकालेंगे तो यहाँ एक बचेगा 1/2, ठीक है। अगर मेल की क्षमता 1 है तो फीमेल की क्षमता 2 है, यहाँ से हम निकालते हैं टोटल काम निकालते हैं, तो मेल एक दिन में मतलब मेल एक काम करता है तो फीमेल 2 काम करता है। मेल कितने हैं, एक काम करता है तो 4 मेल कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे, प्लस फीमेल 2 यूनिट काम करता है तो 5 फीमेल कितना काम करेंगे, ठीक है, 5 दूना 10 यूनिट काम करेंगे, टोटल 14 यूनिट काम करेंगे, और कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 15 दिन में पूरा हो रहा है, मतलब इतना ही क्या है टोटल काम है, ठीक है। देखिए, उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा, ठीक है, उसी काम को कितने दिन में करना है, 7 दिन में करना है इसी काम को, ठीक है, 14 × 15 ही काम को 7 दिन में करना है, ठीक है, 7 दिन में करना है। 4 पुरुष 4 मेल, 4 मेल प्लस कितने फीमेल काम पर, मान लेते हैं कि एक्स फीमेल काम पर लगती हैं, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 15 दूना 30 हो जाएगा, 4 हो गया, मेल की क्षमता कितनी है, 1 की है, प्लस एक्स हो गया, फीमेल की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 रख देंगे, ठीक है, यहाँ से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 4 घटाएंगे 26/2 कर देंगे बराबर एक्स, तो एक्स का मान निकालेंगे 13 आएगा, यानी 13 फीमेल को और काम पर 13 फीमेल को काम पर लगाना होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है, वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं, किसी 200 रुपये के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नगद राशि देनी होगी, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौने पर 15% की छूट देता है, वह उन ग्राहकों को 4% छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये का अगर कोई खिलौना ले रहा है
तो उसे 15% की छूट देता है। 15% की छूट मतलब 100% टोटल है, 15% की छूट दे देगा तो क्या होगा, 85% हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति 200 रुपये तुरंत देता है तो उसके बाद क्या करता है, 4% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी 96% हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो गया। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे 50 बार में, ठीक है, 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में, ठीक है, और 2 से काटेंगे, चलिए काटते नहीं है गुणा कर देते हैं, ठीक है, काटते नहीं है गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए 96 मल्टीप्लाई बाई 17/10, ठीक है। अब देखिए 7×42 यानी यूनिट डिजिट जिसका क्या हो, 2 हो, 7×42 की 2, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, तो यूनिट डिजिट देखिए इसका ही है 2, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर 163.2, यही क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, 32% इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4% बराबर होता है 1/25, 32% 4 का 8 गुना है तो 8/25 हो जाएगा, ठीक है, 8/25 हो गया। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, अगर लागत मूल्य कास्ट प्राइस अगर 25 है, कास्ट प्राइस अगर 25 है तो 25 का 32% अधिक है, मतलब 8 अधिक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 25 8 कितना है, 33 है, ठीक है। आगे देखिए और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, 12% है, फ्रैक्शन में बदलेंगे 4% बराबर 1/25, 12% 4 का कितना गुना है, 3 है, 3 गुना है तो क्या हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। देखिए अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, मान लेते हैं कि 25 क्या है, अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है, 25 है, इस पर 25 पर 12% की छूट मतलब 3 की छूट मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 25 में से 3 घटाएंगे 22 है। देखिए उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यहाँ 33 यूनिट आया है और उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यहाँ 22 यूनिट आया है, तो अनुपात को हम बराबर कर देंगे, ठीक है, यहाँ से सेलिंग प्राइस और एमपी का रेशियो यानी मार्क प्राइस का रेशियो हम ले लेते हैं, ठीक है, रेशियो हम लेते हैं, यहाँ से क्या होगा 22 अनुपात क्या है, 25 है, ठीक है, यहाँ से हमें अनुपात बराबर करना होगा, यहाँ 33 है, यहाँ 22 है, अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ 2 से अगर गुणा कर दें और यहाँ 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस का अनुपात बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 50 हो गया, अनुपात यहाँ से 66 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का गुणा करेंगे 66 यानी सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 66 आ गया, अनुपात 3 का गुणा 25 में करेंगे 75 हो जाएगा। ये सीपी और एसपी और एमपी का रेशियो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, लागत मूल्य क्या है, सीपी क्या है, लागत मूल्य क्या है, 50 है, ठीक है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस एमपी, एमपी कितना है, 75 है, 25 दूना 50, 25 दिए 75 यानी 2:3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 25% की 2 लगातार छूट प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होती है, मतलब 2 किसी वस्तु पर लगातार 2 25% की छूट दी गई है तो वह 2 लगातार क्रमिक छूट न दे करके अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, x+y - x (y), ठीक है, ये क्या होता है, 2 छूट ना दे करके, 2 लगातार छूट ना दे करके केवल अगर एक बार छूट देनी हो तो वह किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। x का मान क्या है, 25% है और y भी क्या है, 25% है, मतलब 2 बार 25% का छूट दिया गया है, माइनस x की जगह पर 25, y की जगह पर 25/ क्या है, 100 है, ठीक है, 25 क्या हो गया, 50 हो गया, माइनस 25 हमें क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है, 100 क्या हो गया, 100 हो गया, यहाँ से 50 माइनस भाग करेंगे क्या आएगा, 6.25, घटाएंगे यहाँ से क्या आएगा, 43
43.75। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 पेंसिल बेचने पर, ठीक है, 100 पेंसिल क्या करने पर, 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत है, ठीक है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, ठीक है। कितने पेंसिलों को बेचने पर, 100 पेंसिल को बेचने पर, कितने पेंसिल को बेचने पर, 100 पेंसिल को बेचने पर, अगर 100 पेंसिल को बेचा है तो 100 पेंसिल को क्या करेगा, खरीदा हुई होगा, ठीक है। 100 पेंसिल को क्या किया होगा, खरीदा भी होगा, तो तभी तो बेचा होगा, तभी जा करके 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ होगा। तो 20 SP इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, चलिए डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 CP इज इक्वल टू 20 SP को इस तरफ लेकर जाएंगे, 80 SP हो जाएगा। यहाँ से 5 हो गया और 4 हो गया और यहाँ CP हो गया, यहाँ SP हो गया, ये बराबर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम CP अपान SP का रेशियो निकालें तो CP कितना है, SP का अनुपात यहाँ से 4 हो जाएगा, CP का 4 हो जाएगा बटे SP 5 इस तरफ ले आएंगे, इधर हो जाएगा, मतलब 4 में खरीद करके 5 में बेचा जा रहा है, ठीक है। 4 में खरीद करके एक पेंसिल को 4 में खरीद करके 5 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का लिया जा रहा है, एक का प्रॉफिट लिया जा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, CP पर निकलेगा। CP कितना है, 4 है, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 25% आएगा, मतलब 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चनों को, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।